मैं कर्नल अजय astromoneyguru.com से आपसे मुखातिब होता हूं आज 14 सितंबर सन 2021। दोस्तों, आज इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एग्रो कमोडिटीज के ऊपर क्या संभावना होगी, बुलियन कच्चे तेल में क्या संभावना होगी और शेयर बाजार के अंदर कौन से शेयर्स आज चमकेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका नफा या नुकसान, बाजार चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, याद आपका आप मुनाफा कमा रहे हैं या नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान और टर्निंग पॉइंट। दोस्तों, 1965 में और 66 में जिन व्यक्ति ने जन्म लिया है उनके लाइफ का एक विशेष टर्निंग पॉइंट बहुत नज़दीक है। याद कीजिए 1994-95 का आपका पीरियड, वो पीरियड बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। ऐसा सही कुछ पीरियड अब बनने की संभावना बन रही है। कमजोर ग्रह नौकरी व्यवसाय या उद्योग धंधे के अंदर परेशानी पैदा कर सकते हैं, जबकि मजबूत ग्रह आपको नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकते हैं। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि पृथ्वी वायु और जल। एक एक तत्व को 3-3 राशियों का स्वामित्व दिया गया है। अग्नि तत्व की राशियां 1, 5, 9 मेष सिंह और धनु राशि आज आपके लिए मिश्रित दिन रह सकता है, 2 से 3 बजे के बीच में सावधानी रखिए। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 वृषभ कन्या और मकर राशि दिन आपके लिए मुफीद नहीं है, परेशानी भर सकती है, आप बड़े सौदों को ध्यान से करें, खासकर 3 से 4 बजे के बीच सावधानी रखें। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां हैं यानी मिथुन तुला और कुंभ राशि, आपके लिए दिन मुफीद है, अच्छा है, लाभ कमा सकते हैं, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में रखनी है अपने को अत्यधिक सावधानी। 4, 8, 12 यानी कर्क वृश्चिक और मीन राशि, यह है जल तत्व की राशि, लाभ कमा सकते हैं, धैर्य आपकी ताकत है, मुनाफा की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। रात्रिकालीन 7 से 8 बजे के बीच MCX रेडर विशेष ख्याल रखें। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब एग्रो कमोडिटीज, एग्रो जीन्स में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हमने आपको हमारे विशेष एपिसोड्स के अंदर भी गवार सीड के ऊपर अग्रिम अलर्ट भी दिया था और कल आपने देखा गवार सीड के अंदर कितनी बुरी तरह से नीचे के सर्किट भी लगे। आज गवार सीड और गवार गम के अंदर मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। धनिया भी आज तेजी की ओर अग्रसर हो सकता है, आप विशेष ख्याल रखें। नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर कच्चा तेल बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कच्चे तेल के अंदर भी आज नज़र रख सकते हैं, इसमें तेजी की संभावना बन सकती है। गौरतलब है हमने कच्चे तेल को पिछले 2 दिन से लगातार खरीदने की सलाह दी और कच्चे तेल ने अच्छा मुनाफा निवेशकों को कमा के दिया। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार के अंदर उतार चढ़ाव जारी है। अब इंडेक्स यानी निफ्टी या सेंसेक्स पर नज़र रखने के बजाय सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो मुनाफा कमाने की संभावना अधिक रहेगी। आप नज़र रखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, तीनों ही स्टॉक्स सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार या फिर करेंसी बाजार, एग्रो कमोडिटीज, इन सभी के ऊपर क्षमता से अधिक कार्य करना हमेशा से नुकसानदेह साबित हो सकता है। अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट अवश्य रखिए। यदि ट्रेड आपके विपरीत जा रहा है तो तुरंत उससे बाहर निकलें, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारियाँ फंडामेंटल एनालिसिस एवं टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर के साथ साथ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का समावेशी करके आपको दी जा रही है। हम ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी कंडक्ट कर रहे हैं, जो भी महानुभाव सीखना चाहे वो हमसे संपर्क कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारियाँ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए दी जा रही हैं। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले स्वयं का विवेक, स्वयं का अध्ययन एवं अपने सलाहकार से भी आप राय ले सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।